अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 1.2 के क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करेंगे जो कि कंप्यूटिंग लिमिट्स के बारे में है। तो क्वेश्चन 1 में आपको गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये तीन लिमिट्स आपको गिवन है और नीचे हमने जो गिवन लिमिट्स हमको फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, और ये जो ऊपर चीजें गिवन है लिमिट्स की। तो अगर आपके पास गिवन हो कि लिमिट इज अप्लाइड ऑन द एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो आप उनको सेपरेटली अप्लाई कर देते हो फंक्शन वन के ऊपर फिर प्लस सेकेंड फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ लिमिट को एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया और जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, टू टू चूंकि कांस्टेंट है तो हम इसको एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ सो दिस इज एक्चुअली टू टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है विच इज 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है -4। तो यहाँ पे चूंकि टू टाइम्स है -2 × 4 that is giving you -8, or 2 − 8 gives you -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें सब्ट्रैक्शन है, दो तीन फंक्शन है, एक ये एक ही और एक कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमें वही मिलता है, तो इसीलिए उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, 3 चूंकि कांस्टेंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और जी ऑफ एक्स के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, और 1 के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर भी दें तो वही आंसर आता है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट हो, तो एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू हमें गिवन है पहले की वो 2 है, 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है वो -4 है, और 1 एज इट इज आ जाएगा। आप इसको सिंपली कैलकुलेट, अगर प्रोडक्ट हो तो आप सिंपली क्या करें, लिमिट को दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स हमें गिवन है वो -4 है, जैसे उनको मल्टीप्लाई कर दें। अगर पावर में गिवन हो तो हम लिमिट पावर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस लिमिट इज द सेम एज अगर आप लिमिट को जी ऑफ एक्स के अंदर अप्लाई कर दें और फिर इसकी पावर 2 ले लें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है वो क्या है -4 है, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी, उसकी पावर 2 ले लें, तो ये गेट द आंसर। इसी तरह अब पावर कुछ भी हो तो आप लिमिट को इनसाइड वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दें और उसके बाद पावर ले लें। ठीक है, तो लिमिट को हमने इनसाइड वाले फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 इज अ कॉन्स्टेंट, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 6 ही आंसर आएगा, और एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये चीज, इसकी हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है वो क्या है 2, तो हमने पुट कर दी। और यहाँ पे चूंकि पावर फिर मिसिंग है, ये 1/3 इसकी पावर भी 1/3 और 8 की पावर 1/3 का मतलब है 2, क्यूबिक रूट ऑफ 8 इज 2। इसी तरह क्वेश्चन एफ में 2 / लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, तो 2 इज अ कांस्टेंट, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर भी दो तो भी वही आंसर आएगा 2, जी ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया उसकी वैल्यू हमें गिवन है, सिंप्लीफाई कर दे यू गेट द आंसर। क्वेश्चन 2 में अब आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, एफ का, एफ ऑफ एक्स का एंड जी ऑफ एक्स का। ठीक है, हमने लिमिट्स फाइंड करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। तो ग्राफ्स आपको नजर आ रही है, एफ ऑफ एक्स का ऑन द लेफ्ट, राइट, जी ऑफ एक्स का ऑन द राइट। अच्छा, वहां पे हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू गिवन थी, अब वही लिमिटिंग वैल्यू हमें यहाँ पे ग्राफ से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो हम लिमिट को दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स, इनकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब हमने 2 को अप्रोच करना है इस फंक्शन के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, और 2 को अप्रोच करना है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अभी अगर आप देखें 2 कहाँ पे, ये हमने 2 को अप्रोच करना है, तो लिमिट 2 को अप्रोच करने का मतलब है कि हमने इसको लेफ्ट से भी अप्रोच करना है और राइट से भी अप्रोच करना है।
जब हम 2 को लेफ्ट से या राइट से अप्रोच करते हैं तो हमें वैल्यू कौन सी मिलती है, ये वाली वैल्यू, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, दैट मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। अब जी ऑफ एक्स की तरफ चलते हैं, ये हमारा 2 है, जब हम लेफ्ट से 2 को अप्रोच करते हैं तो भी वाई जीरो आता है, जब राइट से 2 को अप्रोच करते हैं तब भी वैल्यू क्या आती है, जीरो, तो इसीलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है, जीरो, दोनों का ऐड करेंगे तो आंसर इज जीरो। नेक्स्ट में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जब एक्स अप्रोच करते हैं जीरो को तो अलग अलग हमने अप्लाई कर दिया, अब हमने जीरो दोनों के अंदर चेक करना है, जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं लेफ्ट से तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये 1, और जब हम इसको राइट से अप्रोच करते हैं जीरो को तो हम ये वाला ग्राफ यूज करेंगे तो तब वैल्यू क्या आती है, -2। तो एफ ऑफ एक्स के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डी एन ई मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, और जी ऑफ एक्स के लिए हम वैसे ट्राई हमें करना चाहिए, अदरवाइज एक भी लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो हम लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको जी ऑफ एक्स की लिमिट फाइंड करके दे देता हूँ। जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं लेफ्ट से, सॉरी राइट से, तो भी आंसर क्या आता है, 2, और जब राइट से अप्रोच करते हैं जीरो को तब भी आंसर क्या आता है, ये 2, तो इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, 2। तो दोनों में से अगर कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पार्ट सी में अगर आप देखें, अगेन दोनों को हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया, अब हमने जीरो को अप्रोच करना है पॉजिटिव से, दोनों फंक्शंस के ऊपर हमने जीरो को अप्रोच करना है पॉजिटिव से, तो दिस इज जीरो, इसको हमने पॉजिटिव से अप्रोच करना है, तो दैट मीन्स द आंसर इज हियर इज -2। तो एफ ऑफ एक्स में जब जीरो को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव से तो आंसर क्या आता है, -2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं जी ऑफ एक्स में पॉजिटिव से तो आंसर क्या आता है, +2। तो वो हमने वैल्यूज लिख देनी है, एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करते हैं जीरो से, पॉजिटिव जीरो से या पॉजिटिव साइड से जीरो को तो -2 आता है, जी ऑफ एक्स को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं जीरो को तो आंसर क्या आता है, 2, इनको ऐड करें तो आंसर इज 0। इसी तरह इनमें अलग अलग अप्लाई कर दिया, मैंने जीरो को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से दोनों में, जब हम जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं एफ ऑफ एक्स में तो आंसर क्या आता है, 1, और जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं नेगेटिव साइड से इस जी ऑफ एक्स में तो आंसर क्या आता है, फिर वही 2 आता है, तो हम लिख देते हैं 1 एंड 2, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1, और दूसरी 2, तो ऐड कर दें तो आंसर क्या आता है, 3। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस जी ऑफ एक्स, हम लिमिट ऊपर और नीचे अप्लाई कर देते हैं, अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से 0 ना आता हो, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, और जी ऑफ एक्स भी हमने चेक करना है अगर वो 0 आता है या नहीं है, फॉर इंस्टेंस हम ऊपर नीचे अप्लाई कर देते हैं पहले 1 और लिमिट, ये 0 नहीं, ये 0 अगर आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 0 नहीं आना चाहिए। अब हम दोनों की लिमिट चेक करते हैं, हमने ऑलरेडी मेरा ख्याल से निकाली हुई है ऊपर के एफ ऑफ एक्स 2 एंड जी ऑफ एक्स 2, देखिए ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दोनों, जो कि दोनों 0-0 हैं, तो हम वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं जी ऑफ एक्स की जगह पे 0, 0/1 इज व्हाट, 0/1 इज अगेन 0, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 1 प्लस जी ऑफ एक्स, अब देखिए हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए जब हम लिमिट अप्लाई कर दें, अब अगर मैं ऊपर नीचे लिमिट अप्लाई कर दूं इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो जी ऑफ एक्स लिमिट हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है कि उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, और ऊपर जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, ये न्यूमिरेटर को मैंने अलग से निकाल लिया, 1 प्लस लिमिट 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जी ऑफ एक्स 1 प्लस दैट इज 1, ठीक है, अब ये वैल्यू नहीं आ रही 0, और ये 0 आ रही है तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, 0 आता है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता फिर आप लिमिट ऊपर नीचे अप्लाई नहीं कर सकते, एंड दैट मीन्स कि इस चीज़ की लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर नीचे 0 आ रहा हो और किसी भी सूरत आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो वी से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। स्क्वायर रूट के अंदर है तो आपने पहले भी डिस्कस किया था कि आप लिमिट को अंदर अप्लाई कर दे फंक्शन के, अब हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर, उसकी वैल्यू क्या थी, -2, देखिए ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज -2, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो दिस इज नॉट रियल,
ठीक है, तो इट मीन्स के इसका ये फंक्शन क्या है, इज नॉट डिफाइंड, रियल वैल्यूज नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये अच्छा, और ये नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आता है, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक, अगर आप इसको देखें ना, ये नेगेटिव कहाँ से आता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कहाँ पे है, ये देखें यहां से नीचे आना शुरू हो जाता है ना, ये जब एक्स जीरो हो और एक्स टू हो इनके दरमियान में ये फंक्शन क्या आता है, नेगेटिव आता है एफ ऑफ एक्स, अदरवाइज ये नेगेटिव नहीं आता है। तो इसीलिए हमने ये कंडीशन लिख दी हुई है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, अदरवाइज ये डिफाइंड है। अगेन स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, ये कर दिया हमने, एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, हम पहले ही निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू क्या थी, वन, तो स्क्वायर रूट के अंदर वन गिव्स यू।